हरियाणा की सियासत में लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले फेरबदल भाजपा की नीति को उजागर करती है। जैसे पीछे कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद मंत्रिमंडल का संयोजन भाजपा की नारी सबका साथ सबका विकास की नीति को दर्शाता है, उसी प्रकार आज हरियाणा में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर ओबीसी समाज को दायित्व सौंपा गया है, जिससे लोकसभा की 10 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सके। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में उनको लेकर जनता में उत्साह देखने को नहीं मिला, इसलिए यह जरूरी भी था कि खट्टर साहब अपना इस्तीफा दें जिससे नए चेहरे को मौका मिल सके और आगे विधानसभा चुनावों में दोबारा से पूर्ण बहुमत पाकर भाजपा अपनी सरकार बना सके। प्रदेश में नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और ऐसे में सैनी समाज और ओबीसी समाज खुशी जाहिर कर रहा है। इसी को लेकर बल्लभगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है।